हेलो एवरीवन वेलकम टू नर्सिंग एटलीस्ट साथियों आज के स्टूडियो में अपन बात करेंगे नर्सिंग फंडामेंटल फाउंडेशन फर्स्ट के सिलेबस के बारे में जिसके साथ ही साथ आपको इंक्लूडिंग फर्स्ट एड मॉड्यूल भी दिया गया है साथ ही ये जो आपका सब्जेक्ट है ये फर्स्ट सेमेस्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है साथियों ठीक है साथियों तो नर्सिंग फंडामेंटल के सिलेबस के बारे में शुरू करते हैं साथियों फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है बहुत बेसिक सब्जेक्ट है आपको आ, हर एक सब्जेक्ट आ, जो ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक ईयर में इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स बहुत सारे इक्विपमेंट्स का काम आपको आएगा ठीक है साथी ठीक है साथियों तो जो टोटल है ये चालीस घंटे का ये आपका चालीस घंटे का है टोटल आपका ये मोड्यूल जिसमें साथ ही साथ आपको इसमें बी यानी कि बी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सी पी आर ये भी इंक्लूड करता है आपके किसमें फर्स्ट एड में करता है और नर्सिंग फाउंडेशन में करता है साथियों तो आते हैं फर्स्ट यूनिट के बारे में बात करते हैं कि फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है साथियों फर्स्ट यूनिट का नाम है फर्स्ट यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है साथियों पहला पढ़ना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ डेफिनेशन बाय डब्ल्यू एच क्या होती है मास आर्की ऑफ़ नीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको नर्सिंग फंडामेंटल में भी पढ़ना है और साइकोलॉजी में भी पढ़ना है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ कॉज एंड रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपिंग इलनेस इलनेस के टाइप इलनेस की बिहेवियर इम्पैक्ट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली कि इलनेस का क्या इम्पैक्ट होता है फैमिली पे और फैमिली पे क्या होता है और पेशेंट पे क्या होता है ठीक है साथियों अगला जो है हमारा यूनिट नंबर टू यूनिट नंबर टू क्या है साथियों यूनिट नंबर टू है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम कहाँ पे है इंडिया में हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के बारे में बात करता है पहला इंट्रोडक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट और मीनिंग इंट्रोडक्शन क्या है हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का और कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बाद लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन हेल्थ प्रमोशन सेकेंडरी एट टर्सियरी ठीक है साथियों तो हेल्थ प्रिवेंशन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी पढ़ने को मिलेगा कि हम कैसे इलनेस को प्रिवेंट करते हैं साथियों ठीक है फिर लेवल ऑफ केयर में आएगा प्राइमरी केयर सेकेंडरी केयर टर्सरी केयर फिर आएगा टाइप ऑफ हेल्थ केयर एजेंसी में दो टाइप की आती है एक तो प्राइवेट आती है एक गवर्नमेंट आती है एक सेमी गवर्नमेंट आती है फिर हॉस्पिटल के टाइप्स क्लिनिक्स हॉस्पिटल रिहैबिलिटेशन सेंटर एक्सटेंडेड फैमिली केयर के बारे में आपको पढ़ाई जाए अगला हॉस्पिटल्स के टाइप ऑर्गेनाइजेशन एंड ये आपको पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन की हॉस्पिटल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं साथ ही साथ हेल्थ केयर आइटम्स इन हॉस्पिटल और मेंबर एंड देयर रूल उसके बारे में आपको पढ़ना है साथ ही ठीक है साथ सॉरी अगला जो है अगला है थर्ड है थर्ड क्या है बहुत इंपॉर्टेंट साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नर्सिंग फंडामेंटल का जो बेस है बेस है बेसिक चीज़ें हैं जो नर्सिंग फंडामेंटल की डेफिनेशंस हैं फिर उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट है क्या क्या यूजेज हैं उन सब चीज़ को आपको यहाँ पे पढ़ना है तो क्या हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग प्रोफेशंस मतलब हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग की क्या रही है इसके बारे में क्योंकि आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि नर्सिंग कहाँ से शुरू हुआ था फर्स्ट नर्स कौन थी ठीक है साथियों नर्सिंग की डेफिनेशन किसने दी थी सबसे पहला डेफिनेशन वर्जीनिया हैंडर्सन का क्या डेफिनेशन था फ्लोरेंस नाइटिंगल का क्या डेफिनेशन था इसके बारे में आपको पढ़ना है साथियों ठीक है साथियों सॉरी तो हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग इन इंडिया के बारे में आपको पढ़ना है साथियों ठीक है उसके बाद क्या है कॉन्ट्रीब्यूशनस ऑफ फ्लोरेंस नाइट एंगल फ्लोडेंस नाइट एंगल का क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में पढ़ना है ठीक है साथियों उसके बाद पढ़ना है नर्सिंग की डेफिनेशन नर्सिंग की डेफिनेशन पढ़नी है कॉन्सेप्ट पढ़ना फिलोसफी ऑब्जेक्टिव उसके बाद कैरेस्टर नेचर एंड स्कोप ऑफ नर्सिंग नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होती है फंक्शन क्वालिटी ऑफ नर्सिस कैटेगरी ऑफ नर्सेस एंड नर्सिंग पर्सनल के बारे में पढ़ना चाहिए अगला जो आते हैं उसके नर्सिंग एज ए प्रोफेशन की डेफिनेशन एंड कैरेस्टरिस्टिक्स क्राइटेरिया ऑफ प्रोफेशन पढ़ना फिर अगला जो पॉइंट है हमारा वो पॉइंट है वैल्यू इंट्रोडक्शन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस फिर कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोफेशन नल कोड ऑफ नर्सेज इंट्रोडक्शन इसका पढ़ना है कोड ऑफ एथिक्स का ठीक है साथियों उसके बाद यूनिट नंबर चार यूनिट नंबर चार है कम्युनिकेशंस एंड पेशेंट रिलेशनशिप देखिए साथियों सॉरी हमने लास्ट क्लास में जब कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम्युनिकेशन का वो भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा साथियों तो आप देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन का चैप्टर है आपके लिए तो कम्युनिकेशन का चैप्टर है जिसमें आपको दिखाया गया है कि कम्युनिकेशन क्या होती है वॉट इज कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लेवल टाइप उसके बाद एलिमेंट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन टाइप्स मोड मोड्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है उसके बाद अगला टॉपिक है आपका मेथड ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन थेरोपेटिक कम्युनिकेशन इसके बारे में पढ़ना है साथियों ठीक है फिर अगला जो है आपका वो है बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नॉन थेरोपेटिक कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है साथियों फिर अगला है प्रशनल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है कि प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होती है फिर आपको पढ़ना है Uh, फिर आपको पढ़ना है कि हेल्पिंग ऑफ रिलेशनशिप क्या होती है पेशेंट uh, और uh, जो नर्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित होती है बाय द कम्युनिकेशन उसके बारे में पढ़ना है साथियों फिर आपको पढ़ना है कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली इंपॉर्टेंट विद इफेक्टिवली विद द पेशेंट फैमिलीज एंड मेम्बर्स उसका मीनिंग इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशन एंड कम्युनिकेशन विद द वनर लेवल ग्रुप के लिए पढ़ना है आपको ग्रुप एंड कम्युनिकेशन विच इज वन ग्रुप चिल्ड्रेन फिजिकली डिसेबल मेंटली चैलेंज और के साथ सॉरी कैसे कम्युनिकेट करोगे उसके बाद अगला जो हमारा यूनिट है यूनिट नंबर पाँच यूनिट नंबर पाँच क्या कहते हैं रिपोर्टिंग में आता है डॉक्यूमेंट के डॉक्यूमेंटेशन के क्या परपज़ होते हैं क्या पर्पस होते हैं इसके बारे में पढ़ना है फिर कॉन्फिन कौन, कौन? कॉन्फिडेंटियालिटी के बारे में पढ़ना है टाइप्स ऑफ क्लाइंट रिकॉर्ड्स कॉमन रिकॉर्ड्स कीपिंग फॉर्म्स के बारे में मेथड सिस्टम्स ऑफ रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ डॉक्यूमेंटिंग के बारे में पढ़ना है फिर गाइडलाइंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन के लिए गाइडलाइन होती है डूज और डोंट क्या होती है लीगल गाइडलाइंस क्या होती है डॉक्यूमेंटेशन के टाइम उसका रिपोर्टिंग होती है चेंजिंग ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट ट्रांसफर इंक्लूडिंग ये सब पढ़ना है आपको फिर जो आपका नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर यूनिट नंबर छः बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों क्योंकि ये वाइटल साइन वाले इंपॉर्टेंट है ये आपको हर एक जगह पढ़ने को मिलेगा साथियों वाइटल वाइटल साइन साइन पूरी जान है है नर्सिंग फंडामेंटल का ठीक साथियों तो इसमें क्या क्या है वाइटल साइन है फिर वाइटल साइन में क्या आपसे पूछेगा एक में क्या? देखो, में आता है, क्या क्या आता है आपको उसके बाद टीपीआर साइन है, है साथियों पेन ठीक है साथियों तो इसका एक एक करके चलते हैं बॉडी टेम्परेचर है की डेफिनेशन फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉडी टेम्परेचर उसके बाद बॉडी टेम्परेचर उसके बाद नेक्स्ट है असमेंट ऑफ बॉडी टेम्परेचर साइट्स साइट्स और इक्वमेंट यूजिंग ड्यूरिंग द बॉडी टेम्परेचर को लेते हुए कौन कौन सा इक्वमेंट का यूज करते हैं उसके बारे में पढ़ना है और टेक्निक्स क्या होती हैं इसके लिए पढ़ना है फिर टेम्परेचर अल्ट्रेशंस हाइपोथर्मिया हीट क्रैम्प हीट एक्सा एग्जॉशंस हीट स्ट्रोक उसके बाद हाइपोथर्मिया के बारे में पढ़ना है ठीक है साथियों नेक्स्ट है पायरेक्सिया पायरेक्सिया में फीवर को देखो फीवर को हम पायरेक्सिया कहते हैं पहली बात तो ये जान लो ठीक है साथियों और स्टेज ऑफ पायरेक्सिया उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है हॉट एयर कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना है साथियों उसके बाद पल्स टी पी 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 स्टैंड फॉर पल्स डेफिनेशन फिजियोलॉजी एंड रेगुलेशन कैरेस्टिस्टिक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द पल्स असेसमेंट ऑफ पल्स साइट एंड इक्विपमेंट्स अल्टरिंग द इन पल्स इसके बारे में आपको पढ़ना है साथियों अगला है रेस्परेशन रेस्परेशन के बारे में आपको पढ़ना है रेस्परेशन की डेफिनेशन एक साथियों रेस्परेशन की डेफिनेशन फिजियोलॉजी फिजियोलॉजी क्या होती है रेस्परेशन की उसके बाद ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग उसके बाद कैरेस्टिस्टिक ऑफ ऑफिंग रेस्परेशन असमेंट ऑफ रेस्परेशन उसके बाद असमेंट ऑफ रेस्परेशन के बाद पढ़ना है टेक्निक्स And उसके बाद ब्लड प्रेसर. ब्लड प्रेसर में क्या क्या पढ़ना है ब्लड में आपको पढ़ना है कि डेफिनेशन क्या होती है ब्लड प्रेशर की ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है उसके बाद ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन क्या है फिजियोलॉजी ऑफ रेगुलशन कैर क्या फैक्टर अफेक्टिंग बी पी क्या है असेसमेंट ऑफ़ बी पी साइट्स कौन कौन सी बी पी का लेने का होता है इक्विपमेंट इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज किया जाता है कॉमन एरर क्या क्या हो सकती है बी पी असिस करने के दौरान अल्ट्रेशन इन ब्लड प्रेशर उसका डॉक्यूमेंट वाइटल साइन के बारे में पढ़ना है अगला है इक्विपमेंट एंड लीन आपको मैंने बताया था की इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आगे आपको पढ़नी है टाइप्स क्या होती है इक्विपमेंट्स का लीन की डिसेबल और री यूजेबल में में रबर गुड्स ग्लासवेयर मेटल प्लास्टिक इंट्रोडक्शन और इन इंडेंट मेंटेनेंस और इन्वेंट्री इन्वेंट्री आपको क्या होता है आपको आगे चल के मैनेजमेंट में पढ़ने को मिलेगा कि इन्वेंट्री क्या होती है उसके बाद अगला जो है अगला है यूनिट नंबर आठ यूनिट नंबर आठ है इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन कंट्रोलिंग इंट्रोडक्शन टू टू इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग ठीक है साथियों ये जो आपका है ये माइक्रोबायोलॉजी में भी ये आपको यूनिट पढ़ने को मिलेगा ठीक है लेकिन अभी तो यहीं पे पढ़ाया जाएगा इसमें सबसे पहले पढ़ना है नेचर ऑफ इन्फेक्शन चेन ऑफ इन्फेक्शन टाइप ऑफ इन्फेक्शन स्टेज ऑफ इन्फेक्शन उसके बाद फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ससस्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन उसके बाद बॉडी डिफेंस रेगुलेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के बारे में आपको पढ़ना है फिर इंट्रोडक्टरी इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफ एसएपिस मेडिकल और सर्जिकल एस में हैंड हाइजीन हैंड हाइजीन हैंड वॉशिंग हैंड रोब का यूज यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ने हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में वेस्ट के टाइप uh, कैसे सेग्रीगेट करते हैं वेस्ट को कैसे जनरेट होती है और क्या क्या सेग्रीगेशन एंड हिजाडस है इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना ठीक है साथियों अगला है रेस्ट कम्फर्ट एंड रेस्ट कम्फर्ट एंड स्लिप में कम्फर्ट पेन उसका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्फर्ट टाइप्स ऑफ बेड्स इंफ्लुस इंक्लूडिंग लेटेस्ट बेड पॉपस के बेड बेड मेकिंग थेरोपेटिक पोजिशन कम्फर्ट डिवाइस स्लीप एंड वेस्ट फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप फैक्टर अफेक्टिंग द स्लीप इन सब के बारे में पढ़ना है प्रोमोटिंग रेस्ट एंड स्लिप स्लिप डिसऑर्डर पेन डिसकंफर्ट साइकोलॉजी कॉमन टाइप ऑफ पेन टाइप्स ऑफ पेन कॉमन कॉजेज ऑफ पेन असेसमेंट ऑफ पेन एंड नारकोटिक्स स्किल्स ठीक है साथियों यूनिट नंबर नौ था अब हम आते हैं यूनिट नंबर यूनिट नंबर नौ में अगला है अगला क्या है टॉपिक्स क्या है फार्मोलॉजिकल एंड नॉन फार्मोलॉजिकल पेन रिलीविंग ठीक है उसके बाद टेंस डिवाइस उसके बाद है इंटेंसिव इंटेंसिव टेक्निक ऑफ पेन उसके बाद एनी अदर मेजर्स उसके बाद स्कैम कम्प्लेंट्री अल्टरनेटिव हेल्थ मोडालिटीज इसके बारे में पढ़ना है ठीक है साथियों अगला यूनिट नंबर दस यूनिट नंबर दस में है का जो आपका टॉपिक है वो है प्रमोटिंग आ, प्रमोटिंग एक से प्रमोटिंग एंड सेफ्टी आ, प्रमोटिंग एंड प्रमोटिंग एंड सेफ्टी इन हेल्थ केयर एक इन्वामेंट फिजिकल इन्वामेंट टेम्परेचर नॉइस ह्यूमिडिटी उसके बाद लाइट और ऑर्डर पेस्ट कंट्रोल रिडक्शन रिडक्शन ऑफ फिजिकल हिजार्ड एक्सीडेंट फॉल असमेंट रोल ऑफ नर्सेस प्रोवाइडिंग सेफ क्लीन एंड एनवायरमेंट इसके बारे में पढ़ना है उसके बाद री स्ट्रेन देखो ये वाला इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा टॉपिक है ये जरूर याद कर लेना इसको स्टार लगा देना सेफ्टी डिवाइसेज में साइड रेल ग्रैब ये भी क्वेश्चन आते हैं साथियों ठीक है उसके बाद हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपको लामा उसके बाद ऑप्शन एब्डोसेंस रेफरल एंड ट्रांसफर के बारे में पढ़ना है हॉस्पिटल एडमिशन यूनिट नंबर ग्यारह हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज है उसमें एडमिशन ऑफ टू हॉस्पिटल यूनिट प्रिपरेशन एडमिशन बेड एडमिशन प्रोसीजर मीडियो लीगल इशू रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेस डिस्चार्ज फ्राम हॉस्पिटल के बारे में पढ़ने अब टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज क्या क्या होती है लामा एंडस्क रेफरल एंड ट्रांसफर डिस्चार्ज प्लानिंग डिस्चार्ज प्रोसीजर मेडियो लीगल इशू रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज हयर ऑफ यूनिट ड्यूरिंग आफ्टर डिस्चार्ज इसके बारे में पढ़ने अगला है यूनिट नंबर बारह यूनिट नंबर बारह मोटालिटी एंड मॉर्बिडिटी मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी पढ़ना है साथ ही देखो ये नर्सिंग फाउंडेशन वन है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है ठीक है लेकिन क्या करते हैं टीचर कि नर्सिंग फंडामेंटल के सिलेबस को भी कभी, कभी कभार बांट देते हैं सभी सेमेस्टर वाइज पढ़ाने के लिए ठीक है साथियों अगला है मोटालिटी एंड इमोबिलिटी एलिमेंट ऑफ नॉर्मल मूवमेंट एलिगे अलाइनमेंट पोस्चर ज्वाइंट मोबिलिटी बेसिक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ठीक है साथियों अगला जो है प्रिंसिपल ऑफ बॉडी मैकेनिक्स फैक्टर फैक्टर सॉरी फैक्टर अफेक्टिंग बॉडी अलाइनमेंट एंड एक्टिविटी एक्सरसाइज टाइप ऑफ एंड बेनिफिट effect of immobility uh, maintenance of body alignment and activity alternations of body alignment and mobility uh, nursing interventions for improving body alignment mo mobility assessment types devices use method range of motion exercise muscle strengthening exercise maintaining body alignment position moving lifting transferring walking assisting client with the ambulations care of patient with immobility using nursing process approach care of patient with the कास्ट एंड स्प्लिंट उसके बाद पेशेंट एजुकेशन पेशेंट एजुकेशन क्या क्या होती है साथियों उसके बाद पेशेंट एजुकेशन में क्या क्या है? पेशेंट टीचिंग इंपोर्टेंस पर्पस एंड प्रोसेस उसके बाद इंटीग्रेटिंग नर्सिंग प्रोसेस पेशेंट विद द टीचिंग उसके बाद हमारा आ जाता है फर्स्ट एड फर्स्ट एड में बेसिक डेफिनेशन क्या होती है प्रिंसिपल क्या होते हैं स्कोप क्या होते हैं रूल्स क्या होती है फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या होती है उसके बाद उंड क्या है ठीक है हेमरेज क्या है शॉक क्या है मसल इंजरी क्या होती है फ्रैक्चर्स क्या होती है डिसलोकेशन मसल इंजरी ट्रांसपोर्टेशन इंजर्ड पर्सन रेस्पिरेटरी इमरजेंसी उसके बाद बेसिक सी पी आर आनकॉन्सियसनेस क्या होती है फॉरन बॉडी में क्या होती है नोज में स्किन में थ्रोट में स्टमक में बर्न स्केल क्या होती है पॉइजनिंग क्या होती है बाइट और रेस्टिंग बाइट क्या होती है प्रोस्ट बाइट क्या होती है इफेक्ट ऑफ हीट क्या होती है कम्युनिटी इमरजेंसी क्या क्या हो सकती है साथियों तो ये आपके है? आपके रहा टोटल टोटल चौदह यूनिट आपको पढ़ने हैं साथियों चौदह यूनिट टोटल चौदह यूनिट पढ़ने हैं साथियों नर्सिंग फंडामेंटल के लिए आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जिसका ड्यूरेशन है चालीस घंटे का ठीक है पेपर आपको सेवेंटी फाइव मार्क्स या थर्टी फाइव मार्क्स का आएगा ठीक है साथियों वीडियो कैसा लगा हो लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथियों